कृष्ण के अंश वैभव स्वरूप श्री नारायण आदि परमेश्वर गण अन्यत्र सर्वज्ञ होने पर भी श्री कृष्ण के विषय में बहुत थोड़ा ही जान पाते हैं। आश्चर्यचकित होकर बलदेव कभी बगल में बैठे कृष्ण है उनकी ओर देख रहे हैं, कभी ग्वालवालों को देखते हैं, कभी गायों की ओर देखते हैं, कभी ऊपर चढ़े हुए गोपों की ओर देख रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बारी बारी से सबको देखे जा रहे हैं, नजर को और पैना करने के लिए बार बार देखते हैं ना हम कोई चीज, ये है क्या, जरा देखें तो गौर से देखें, अब जरा जूम करके देखें। आश्चर्यचकित हो गए, बलराम को आश्चर्य में डालने वो केवल कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं। आश्चर्यचकित होकर बलदेव कभी कृष्ण की ओर तो कभी ग्वाल बालों की ओर कभी बछड़ों की ओर देखने लगे। श्री बलदेव कृष्ण की इस अद्भुत लीला का रहस्य जानने के लिए व्याकुल हो उठे, सोचने लगे के यम वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुः नान्या मे अपि विमोहिनी। यम माया का दैवी, ये जो माया है, अब माया थोड़ा सा आवरण और हटा तो समझ गए कि माया है। तो ये माया है तो फिर कौन सी माया है, किसकी माया है? तो यम माया का दैवी, क्या ये दैवी माया है, अर्थात देवताओं की रची हुई कोई माया है? यम माया का नारी, क्या ये मनुष्यों के द्वारा रची हुई कोई माया है या ऋषि मुनियों के द्वारा कोई रची हुई माया है? नर या नारी माया, मतलब नर के द्वारा रची गई माया, उत अथवा आसुरी, या कोई ये आसुरी माया है? कुत आयाता वा प्रायः, कहां से ये माया आई है? सोच में पड़े हैं, अभी कुछ कह नहीं रहे हैं कृष्ण से, सोच रहे हैं मनी मन, सीन देख लिया है, सोचने के लिए मजबूर हो गए। मैं भर्तु, स्वभावतः मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया होगी। माया अस्तु अन्या, क्योंकि दूसरी जितनी भी माया है, मैं अभी विमोहिनी न, मुझे मोहित कर दे ऐसी कोई भी नहीं है इनमें से, चाहे वो दैवी माया हो, चाहे वो आसुरी माया हो, चाहे वो मनुष्यों के द्वारा रची गई कोई माया हो, मुझे इनमें से कोई भी मोहित नहीं कर सकती। तो लगता यही है कि मेरे प्रभु की माया है, कृष्ण की। इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगे बलदेव, सोचने लगे जैसा भी हो अपनी सर्वज्ञता शक्ति के द्वारा ही मैं इसके कारण की खोज करता हूं, पहले खुद ट्राई कर लो, फिर कृष्ण तो बैठा ही है तो सब बता ही देगा, है ना? एक पहेली जैसे कृष्ण ने रख दी है बलराम के सामने, अब उसको सॉल्व करना है। श्री बलदेव सोचने लगे जैसा भी हो अपनी सर्वज्ञता शक्ति के द्वारा मैं इसकी खोज करता हूं। बलदेव जी क्षण भर के लिए ऐसा विचार कर ही रहे थे कि माया का द्वितीय अंश भी दूर हो गया। प्रथम अंश दूर होने पर क्या सोचा कि ये विरोधी स्वभाव क्यों है, अब द्वितीय अंश दूर हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तय किया कि ये माया है। चार अंशों में माया दूर होगी, ठीक है, चार पार्ट्स में। तो जब दूसरा पार्ट दूर हुआ माया का, योग माया का, तो सोचने लगे कि ये तो माया है कोई, परंतु अब फिर सोच में पड़ गए माया तो है चलो, लेकिन ये माया कैसी है, ये माया कहां से आई है, ये किसकी है, किस लिए आई है, फिर कई प्रश्न खड़े हो गए। क्या यह दैवी माया है? तब देवताओं पे कंसंट्रेट किया,
क्या ब्रह्मा आदि देवताओं ने और फिर देवता माया मेरे लिए क्यों रचेंगे? आदमी प्रश्न क्यों रखता है? परीक्षा के लिए। क्या देवता मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? क्या मेरे ऐश्वर्य की परीक्षा के लिए बछड़े और गोप बालक बनकर मेरे हृदय में अपने प्रति प्रेम जगाना चाहते हैं ये देवता? कि हम वैसे तो ब्रजवासियों से ही अधिक प्रेम करते हैं, देवताओं को थोड़ा इग्नोर में रखते हैं। तो इन देवताओं का मन किया होगा कि बलराम हमसे भी प्यार कर लें, तो थोड़ी देर के लिए ग्वाल बाल बछड़ा बन जाते हैं तो बलराम का प्यार मिल जाए, है ना? पल भर के लिए बलराम हमें प्यार कर लें। ऐसी इच्छा हुई हो देवताओं की, हो सकती है, इसमें क्या है, सभी की होती है। क्या ब्रह्मा आदि देवताओं ने मेरे ऐश्वर्य की परीक्षा करने के लिए बछड़े और गोप बालक बनकर मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए इस माया का विस्तार किया है? क्या ये यथार्थ श्री दाम सुबल मधुमंगल नहीं है? क्या वास्तव में ये हमारे ग्वाल सखा नहीं है? क्या ये देवता लोग हैं? क्या ये प्रश्न यहीं छोड़ दिया? नहीं, कुछ सलूशन समझ में आया? देखिए बाबा, कृष्ण के शरणागत होना कितना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ये जो भगवान ने कहा है कि मैं बुद्धि योग दूंगा, तो बलराम तक को बुद्धि योग वही दे रहे हैं, औरों की क्या कहा जाए। फिर सोचने लगे, क्या यह नारी माया या मनुष्यों के द्वारा रची गई माया है? तो मनुष्यों के द्वारा रची गई माया, मनुष्य साधारण मनुष्य की क्या हैसियत कि वो बलराम के लिए कोई माया रच दे? तो कोई ऋषि मुनियों की कुछ हो सकती है? क्या ऋषिगण ही हमारे ज्ञान की परीक्षा के लिए ये बछड़े और ग्वाल बाल बन गए हैं कि देखें बलराम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते? या फिर तीसरा ऑप्शन है, क्या यह आसुरी माया है? आसुरी माया क्यों होगी? क्या अपने बल और पौरुष से हमें पराजित करने में असमर्थ होकर अब ये कुचक्र रचा है इन असुरों ने, है ना? सामने आकर के तो कोई मार पा नहीं रहा है, बड़े बड़े असुर आए सबको कृष्ण ने, या तो हमने मार मार करके भगा दिया। अब ये कोई माया रच करके कि ग्वाल बाल बन के चलो और गौए बन के चलो, तब तो बड़ा प्यार करेगा, फिर जब मौका देखेंगे तो उड़ा देंगे इसको, ऐसा सोच लिया है क्या असुरों ने? क्या अपने बल और पौरुष से हमें पराजित करने में असमर्थ होकर कंस आदि असुरों ने ही अब छल चातुरी का सहारा लिया है और अपनी माया से हमें मारने के लिए बछड़ों और बालकों का रूप धारण किया है? नाना प्रकार से बलराम जी सोच विचार कर, और सोच ही रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी बुक से अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तो अब बलराम जी वही, यहीं से प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि देखो बलराम जी सोचना छोड़ नहीं रहे, थॉटफुल होना चाहिए आदमी को। क्या है ये? हमको तो क्रीम मिल रही है प्रामाणिक आचार्यों से, हमको तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन कुछ जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें हमको डिसीजन लेना पड़ता है, उस समय कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, ठीक है? तो वहां पर हम डिसीजन लें तो बहुत गीता भागवत आदि का विचार करके, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस का विचार करके तब हम डिसाइड करेंगे, तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं होगा। तो थॉटफुल होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी को कहा गया मुनि सत्तम, मुनि माने थॉटफुल पर्सन।
विचारवान व्यक्ति। तो नाना प्रकार से सोच विचार करने पर अभी भी छोड़ नहीं रहे सोचना विचारना, तो माया का अब तृतीय अंश भी दूर हो गया और माया हटाई भगवान ने। जब तृतीय अंश दूर हुआ तो बलराम फिर से संभावना करने लगे कि तब तो निश्चित रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण की योग माया नाम की असाधारण शक्ति का ही है प्रभाव है। ये हो ना हो ये श्री कृष्ण की माया शक्ति है, क्योंकि और कोई माया शक्ति मुझ पर प्रभाव डाल नहीं सकती है। क्योंकि माया नियंता और विशुद्ध घन चित स्वरूप मुझ पर अपना गुण बता रहे हैं बलराम जी कि मैं माया का नियंता हूं और विशुद्ध घन चित स्वरूप। ज्ञान की मुझ में क्या कमी, चित माने ज्ञान चेतना, विशुद्ध घन स्वरूप है मेरा स्वरूप ही ऐसा है, घन चित स्वरूप है, इसमें कोई मटेरियल मैटर थोड़ी है स्वरूप में, बलराम जी के स्वरूप में। तो उसमें माया का प्रभाव तो पड़ नहीं सकता, लेकिन केवल कृष्ण की योग माया शक्ति का प्रभाव पड़ सकता है, वरना दूसरी कोई भी ऐसी माया नहीं है जो मुझे मोहित कर सके। क्योंकि मेरे अंश स्वरूप महाविष्णु की माया से ब्रह्मा आदि देवगण भी मोहित रहते हैं। अब सबसे ऊंची जो माया थी वो देवताओं की माया बताई थी, कि क्या देवताओं की माया है, फिर मनुष्यों की, ऋषियों की है, या फिर असुरों की है, सबसे निकृष्ट तो असुर थे, तो सबसे टॉप लेवल की थी वही नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे अंश है महाविष्णु, माया तो उनके अंडर में रहती है और देवतागण उस माया के अंडर में रहते हैं, तो वो माया जो मेरे अंश के अंडर में रहने वाली वो मेरे ऊपर कैसे अपना प्रभाव दिखाने लग गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये तीसरा आवरण जो है योग माया का ये हटा, तो समझ गए कि ये श्री कृष्ण की माया है और योग माया है। तो ऐसा विचार करके अब फिर कई क्वेश्चंस हैं इसमें भी कि कृष्ण ने हमारे ऊपर क्यों योग माया का आवरण डाल दिया, हमसे क्या छिपाना चाह रहे हैं, इससे कौन सा इनका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्या चक्कर है ये, अभी भी प्रश्न बाकी रह गए। तो ऐसा विचार कर बलदेव प्रभु ने ज्ञान दृष्टि के द्वारा देख रहा कि इन सभी सखाओं एवं बछड़ों के रूप में कृष्ण ही प्रकाशित है। अब बिल्कुल सारे आवरण हट गए, अब तो कृष्ण दिखने लग गए ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में। इस प्रकार कृष्ण की इच्छा से योग माया का चौथा आवरण भी हट गया। श्री बलदेव ने श्री कृष्ण से कहा, नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भाषी सभिदाश्रयेपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत् उक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलो वै। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, पहले मैं इन ग्वाल बालों को देव श्रेष्ठ गरुड़ आदि और बछड़ों को नारद आदि ऋषि समझ रहा था, किंतु अब मैं वैसा नहीं देख रहा हूं। शुरू शुरू में जब मैंने विचार करना शुरू किया मुझे लगा था कि कहीं ये देवता तो नहीं है, कहीं ये बछड़े जो हैं वो ऋषि मुनि तो नहीं है, नारद आदि ऋषि, किंतु अब मैं वैसा नहीं देख रहा हूं। ये न तो देवता हैं और न ही कोई ऋषि, बल्कि पृथक रूप में इन सब में केवल आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। अतः आप कृपा करके संक्षेप में इस विषय का रहस्य वर्णन करें। बलदेव के इस प्रकार प्रश्न करने पर कृष्ण ने उन्हें सारा रहस्य समझा दिया और बलदेव अब सारी बात समझ गए। श्री कृष्ण का इस प्रकार बछड़े और ग्वाल बाल होने का क्या कारण है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है,
असली बछड़ों और ग्वाल बालों को कहां रख दिया गया है? ये अभी तक बलराम को समझ में नहीं आया। इस प्रकार गंभीर रूप से सोच विचार करने पर भी बलदेव स्वयं यह जानने में समर्थ नहीं हो सके तो कृष्ण से आखिर पूछना ही पड़ा। कृष्ण के अंश या वैभव स्वरूप श्री नारायण आदि परमेश्वर गण, अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर गण, परम ईश्वर गण यानी विष्णु स्वरूप सारे के सारे, श्री कृष्ण के अंश यानी बलराम, वैभव स्वरूप यानी विष्णु के अन्य रूप वराह नरसिंह आदि और अन्य जो परमेश्वर गण हैं, अन्यत्र सर्वज्ञ हो सकते हैं। कृष्ण से दूर जाकर के बाकी लोगों के लिए सर्वज्ञ हो सकते हैं। कृष्ण के अंश वैभव स्वरूप श्री नारायण आदि परमेश्वर गण अन्यत्र सर्वज्ञ होने पर भी श्री कृष्ण के विषय में बहुत थोड़ा ही जान पाते हैं। किसकी बात हो रही है? महाविष्णु, नारायण, क्षीरोदकशायी, गर्भोदकशायी, ये सब कृष्ण के विषय में कितना जानते हैं? थोड़ा जानते हैं, अल्पज्ञ हैं कृष्ण के विषय में। और भगवान हमसे क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्त्वतः, हमको पूरा जानना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उतना ही जान लो जितना गीता में बताया गया है, ना इनफ है तुम्हारे लिए, वहां तक पहुंच जाओगे। पूरा कोई नहीं जान पाएगा, पूरा कृष्ण ही नहीं जानते अपने आप को, तुम कहां चक्कर में फंसे हो? कृष्ण ही अपने को जानने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए कि मुझ में कितना रस है, क्यों राधा मुझसे इतना प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है तो उसको कितना सुख मिलता है, ये सब खुद ही नहीं जानते, तब तो ये स्वरूप प्रकट हुआ है। उसको आस्वादन करने के लिए भक्त बन के आना पड़ गया। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं, उससे बड़ा अहंकारी दुनिया में नहीं मिलेगा। कृष्ण के बारे में यहां तो इतनी बड़ी बात कही जा रही है कि नारायण, ये लीला कितनों का मोह दूर कर देगी। लोग तो देवी देवताओं को भगवान मान करके, उनको सर्वश्रेष्ठ मान करके और सर्वशक्तिमान मान करके पूज करके वो कितना मोह में फंसे हुए हैं। यहां नारायण की हैसियत बताई जा रही है, क्या है कि वो अल्पज्ञ हैं कृष्ण के विषय में। और ऐसे कृष्ण बलराम से कितना प्यार करते हैं कि उनसे छिपाते हैं कि बछड़ों कोई ले गया है ना। ये है कृष्ण का बलराम के प्रति प्रेम। भक्तों को भगवान क्यों कहा जाता है? भागवत में लिखा है जगह जगह, भगवान शिव ने कहा, भगवान नारद ने कहा, भगवान नारद उवाच, लिखा हुआ है स्पष्ट। अब कोई कहे कि तुम लोग तो सबको भगवान मानते हो, एक भगवान होता है, या नारद भी भगवान हो गया, तुम्हारा शिव भी, ब्रह्मा भी, सब भगवान हो गए, तो तुम फिर अनेक भगवान मानने लग गए बहुदेवतावादियों की तरह। भक्त को भगवान कब कहा जाता है? भगवान ये होता है कि ऐश्वर्य को धारण करता है। हाँ, भक्तों के पास भगवान भक्ति रूपी ऐश्वर्य, भक्ति रूपी ऐश्वर्य है उनके पास। और क्या है भक्त के पास? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पास क्या है? त्यक्त्वा तूर्णम् अशेषम् मंडलपतिः, सब तो छोड़ के आ गए। भगवान तो लक्ष्मी को अपने पास बिठाए हुए हैं और ये इन्होंने तो सब छोड़ दिया। अब इनके पास रह गई भक्ति, तो बस वो भी तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। जिस भक्ति के वश में भगवान हो जाए वो कितना बड़ा ऐश्वर्य है। तो उस भक्ति रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के कारण, भक्ति रूपी भग को धारण करने के कारण भक्त को भगवान कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अब सनातन गोस्वामी के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलने लगेंगे, नहीं, वो सब भगवान ने पंगे जो है भक्तों को नहीं दिए हैं, तुम लोग इंजॉय करो।
ये सब जगत का पालन वालन ये तुम लोगों का काम नहीं है। भगवान बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते अपने भक्तों को। ये बहुत टिपिकल जॉब है पालन करना। कोई नई चीज घर में खरीद लाए, उसको किसी ने तोड़ दिया, दोनों काम आसान। खरीद लाना भी आसान और तोड़ देना भी आसान, उसको मेंटेन रखना। ये इसीलिए विष्णु भगवान ने काम लिया हुआ है। और ये काम वो भक्तों के सिर पे नहीं डालते हैं, फिर भी भगवान के काम में भक्त लोग हाथ बटाते हैं कि आपको इनके पालन के लिए भी टेंशन न लेनी पड़े, आप इनके हृदय में भी रहो तो गोविंद विश्राम, आपको रेस्ट मिले उनके हृदय में जाकर के। हम इनको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। उस कोशिश में लगे रहते हैं सारे भक्त कि प्रत्येक जीव को के हृदय को ऐसा बना दें कि भगवान उनके हृदय में रेस्ट कर सके, एंजॉय कर सके, उनके भावों का आस्वादन कर सके। तो अन्यत्र सर्वज्ञ होने पर भी ये सारे के सारे परमेश्वर गण श्री कृष्ण के विषय में बहुत थोड़ा ही जान सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। ये बात किसने कही है? ये बात महाविष्णु की ने कही है। और कब कही है? जब द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसके बच्चे मर जाते थे, तो महाविष्णु ले जाते थे उनके बच्चों को। आखिरी चैप्टर है कृष्णा बुक का, यहां भागवत के दशम स्कंद का। महाविष्णु उन बच्चों को ले जाते थे। उनकी इच्छा थी कृष्ण को अर्जुन के साथ दर्शन करने की। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं वहां पे, तो महाविष्णु कृष्ण की स्तुति करते हैं और तब ये बात करते हैं कि हम सब जो नारायण आदि जितनी भी मूर्तियां हैं वो आपके बारे में बहुत अल्पज्ञ हैं। प्रामाणिक वचन है भागवत का। तो बलराम ने कृष्ण से पूछा, तुमने बछड़ों और ग्वाल बालों का रूप क्यों धारण किया हुआ है? ठीक है, देख लिया कि हाँ कृष्ण ही हैं सब ग्वाल बालों बछड़ों के रूप में, लेकिन अब क्यों है ये नहीं समझ पाया। अब माया का पूरा आवरण हट गया, योग माया का, फिर भी अभी ये क्वेश्चन बाकी है कि क्यों कृष्ण ने यह रूप धारण किया है। तुम्हें तो पता था कि ब्रह्मा उन्हें ले गया है, ब्रह्मा ने उन्हें कहां रखा है, ये तुमको वहां खेल ले वहां बैठ गए वहां से जाकर ले आए होते सीधे सीधे। ये अपना एक्सपेंशन कर दिया तुमने इतना सारा, किस कारण से तुम इतने ग्वाल बाल और बछड़े बने हुए हो ये तो बताओ। अब ये जब तक कृष्ण नहीं बताएंगे, अपने आप से बलराम भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है। जब बलराम नहीं जान पा रहे कितना उन्होंने सोच विचार किया अपनी भगवत्ता के द्वारा, तो भगवान है वो नहीं सोच पा रहे। हम अपने मन से कृष्ण कथा समझ लेंगे, कभी नहीं। तुमने ग्वाल बालों और बछड़ों को का रूप क्यों धारण किया हुआ है? तुम्हें तो पता था कि ब्रह्मा कहां ले गया है, ले आए होते। बलराम के पूछने पर श्री कृष्ण ने सारी कथा क्रम से सुना दी। वन भोजन, ब्रह्म विमोहन, ब्रह्मा का ग्वाल बालों बछड़ों को चुराना आदि घटनाएं विस्तार से सुना दी। शुरू किया अघासुर की कथा से। एक दिन तुम नहीं गए थे, साल भर पहले की बात है, तो अघासुर नाम का एक अजगर आया था, इस तरह से उसका उद्धार हुआ, अघासुर मोक्ष, फिर ब्रह्मा आदि देवताओं का आकाश में आगमन। अघासुर का वध जब हुआ तो देवता बड़े प्रसन्न हुए, सब देवताओं ने झुंड लगा दिया। अघासुर से देवता बहुत परेशान थे, सबने फूलों की वर्षा की कृष्ण के ऊपर कि बड़ा अच्छा किया तुमने अघासुर को मार दिया, बड़ा परेशान किया हुए था। तो आसी पास मंडरा रहे थे, तो अघासुर का वध करने के बाद
उद्धार करने के बाद सब ग्वाल बाल दोपहर का समय हो गया, बैठ गए अपनी अपनी पोटलियां खोल करके, खाने पीने की लीला शुरू हो गई। तो पुलिन भोजन इसको कहते हैं, पुलिन भोजन लीला वो शुरू हुई। तब पुलिन भोजन में सब एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, कृष्ण भी जूठा खा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो जूठा खा रहा है, सामान्य व्यक्ति किसी का जूठा नहीं खाता है, और ये भगवान है, इसकी हम लोग जेल में जगह स्तुति करके आए हैं। माँ के पेट में स्तुति की, फिर ये पैदा हुआ तो स्तुति की, और गलत आदमी की स्तुति कर दी क्या? ये तो निकला, इसको तो ब्राह्मणों के गुण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो झूठा खा रहा है। तो अब ब्रह्मा को हो गया मोह, जब तक कृष्ण लीला नहीं करते हैं, गर्भ में आए स्तुति करने आए, कोई दिक्कत नहीं थी ब्रह्मा को। जन्म हुआ अभी कोई लीला नहीं की थी, फिर स्तुति की। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब कृष्ण ने लीला चालू की तो लीला से मोहित कर देते हैं भगवान। कुछ करे ना तो सब पूजा कर रहे हैं, वहां कुछ कर नहीं रहे हैं। हर आदमी आके अगरबत्तियां दिए तो घुमा रहा है, अभी यही कुछ करने लग जाए, हैं ऐसा हो गया, नहीं नहीं हम नहीं मानते। ये सब गप्पे हांकते रहते हैं, बांके बिहारी की ये लीला है, वो लीला है, जगन्नाथ जी ने वो लीला की, कितनी लीलाओं से किताबें भरी पड़ी, क्यों नहीं मानेंगे आप? लीला करेंगे तो आप मानो, खड़े रहेंगे तो मान लोगे कि भगवान है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो बलराम के पूछने पर भगवान सब बताने लग गए एक एक चीज। तो लीला की तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए। श्री बलदेव यह रहस्य जानकर अत्यंत विस्मय के सागर में डूब गए, खूब आश्चर्यचकित हो गए, और मन ही मन सोचने लगे कि अचिंत्य अनंत लीला सिंधु, ये कैसी लीला भगवान ने कर दी कि हम चक्कर में आ गए। तो ये अचिंत्य लीला के सागर हैं ये, कब कौन सी लीला कर दें? सागर माने हमको भी कोई एंड नहीं दिखाई दे रहा है इनकी लीला का। बलराम जी जब किसी चीज को अचिंत्य और अनंत लीला का समुद्र कह दें, तो आप समझ लीजिए कि क्या होंगे कृष्ण। अचिंत्य अनंत लीला सिंधु, श्री कृष्ण की इस अलौकिक और अनिर्वचनीय, अब क्या बताएं शब्दों में इस लीला को, इस लीला का रहस्य पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं, कोई इतना कैपेबल नहीं हुआ आज तक। एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा से ही इस रहस्य को समझा जा सकता, बस वही है कृष्ण कृपा मूर्ति, उस कृपा मूर्ति के माध्यम से सब कृपा खुल रही है, भगवान की कृपा ही इधर से इस चैनल से आ रही है, गुरु परंपरा के चैनल से। तब हमको मालूम पड़ रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि कृष्ण कृपा से मालूम पड़ रहा है, नहीं हम बड़े विद्वान हैं, हम बहुत स्टडी करते हैं, हमको सब आ रहा है, नहीं, फिर वही देवताओं वाली घटना। तिनके को भी नहीं उड़ा पाए फूंक से जब देवता, तो हम कैसे ये बात सोच लें? कोई नहीं जान सकता है। बलराम जी का ये आ गया कमेंट, ठीक है, तो क्या कहते हैं, तथ्य, एकमात्र कृष्ण की कृपा से ही इस रहस्य को जाना जा सकता है। तो कैसी हैं उनकी लीलाएं? अचिंत्य अनंत लीला सिंधु हैं, और उनकी लीलाएं अलौकिक हैं, अनिर्वचनीय हैं, और उनको केवल उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम।